सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। दिस इज योर ब्रदर मुर्तजा सैफी। तो गाइज, आज मैं एक ऐसी एनर्जी ड्रिंक के बारे में बात करने वाला हूँ जो मार्केट में अभी काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है। काफी ज्यादा लोग उसको यूज कर रहे हैं, काफी ज्यादा उसको पी रहे हैं। उसको लेने के बाद बहुत ज्यादा एनर्जी जनरेट हो रही है लोगों को और बहुत ज्यादा अभी सर्चेबल है, तो क्योंकि बहुत सस्ता आता है वो। हर कोई बोलता है यार मुझे एनर्जी ड्रिंक, मेरे एनर्जी ड्रिंक चाहिए, मेरे को वही चाहिए। तो जब वो इतना पॉपुलर है और इतने फायदे उसके, एनर्जी एकदम से आपका रीगेन कर रहा है, जनरेट कर रहा है फटाफट, तो जाहिर सी बात है उसका कुछ नुकसान भी होगा। तो आज ये वीडियो में मैं ऐसे एनर्जी ड्रिंक के बारे में बात करूंगा जो कि मार्केट में काफी ज्यादा पॉपुलर है। बिल्कुल सही, स्टिंग के बारे में आज मैं बात करूंगा, स्टिंग के बारे में, कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज है कि ये 20 रुपए का आता है मात्र। देखो मार्केट में 20 रुपए का आता है, बट जब आप एकदम, आपका माइंड थका हुआ रहे, आपकी बॉडी एकदम चुस्त रहती है, एकदम थकी हुई रहती है, आपको ऐसा लगता है बिल्कुल लेजी बना, आप इसको जैसे ही अंदर जाता है तो वैसे लोगों को एकदम एनर्जी जनरेट कर देता है और एकदम पावरफुल फील करने लग जाते हैं वो। तो क्या इसके फायदे और क्या नुकसान है, पूरा वीडियो उसके ऊपर होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो गाइज, अब हम बात करेंगे इसके फायदे के बारे में। जी बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने, इसके फायदे के बारे में। अब यार ये 20 रुपए का आ रहा है, मेरे माइंड में भी एक थिंक आ जाती है कि यार 20 रुपए में ऐसा ड्रिंक आ रहा है कि एनर्जी इतनी, तो मैं तो प्री वर्कआउट ही नहीं लेता, वर्कआउट से पहले इसको ही पीऊंगा, क्योंकि एनर्जी इतनी जनरेट कर रहा है, एनर्जी इतनी जनरेट कर रहा है। अब साथ में हो क्या रहा है कि जब मेरी बॉडी एकदम चुस्त है, एकदम मेरे को लग ही नहीं रहा कि यार मैं कुछ करूं, या एनर्जी मेरी एकदम डाउन हो रही है, क्या करूं, मैं गया मार्केट, 20 रुपए की स्टिंग ली मैंने या कोई सा भी एनर्जी ड्रिंक लिया और उसको पी लिया, अब मेरी बॉडी एकदम एनर्जी जनरेट कर गई। इसको लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि बॉडी में एनर्जी आपकी यहाँ चली जाती है, अगर आप यहाँ हो ना, यहाँ हो जाएगी। इसलिए लोग इसको ज्यादा प्रिफेयर कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का एक जो यंगस्टर थे ज्यादातर वो, यार भाई चल तू मेरे साथ, अपन एक ड्रिंक पियेंगे, चल अपने स्टिंग लेके आते या कोई सा भी ड्रिंक लेते। तो भाई आप लोगों ने ले तो लिया, उसके अंदर क्या है क्या नहीं ये देखा नहीं, सिर्फ पी लिया आपने कि एनर्जी जनरेट होती है। हमारे यहाँ एक यही कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर है कि उसको लेने से पहले देखते नहीं कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें देखनी चाहिए। पॉजिटिव मैं आपकी बताऊंगा, इसमें बहुत फायदे इसके बहुत, कि जब भी आप लो फील कर रहे हैं इसको ले लो, आपको एनर्जी आ जाएगी। आपका माइंड जब थका हुआ है, कुछ काम नहीं कर पा रहा, आप इसको ले लो, आपको एनर्जी आ जाएगी, आपकी बॉडी जग जाएगी, आपको नींद, आपका नाइट शिफ्ट है कहीं, अगर आपका नाइट शिफ्ट है ऑफिस में, तो आप एक काम करो, आपको रात भर जगना, आपको नींद आ रही है, स्टिंग पी लो या कोई सा भी एनर्जी ड्रिंक, आपको नींद एकदम उड़ जाएगी, काम अपने को बराबर। अब इसमें ऐसा होता क्या है जो आपको इतनी एनर्जी दे रहा है, समझे आपने इस बात को, समझो आप, इसके अंदर क्या मात्रा में कैफीन होता है, क्या मात्रा में शुगर होती है, कंपनी लिख के दे रही है। अब जब तक आप उसको नहीं समझोगे, आप पीते जाओगे, कहीं ना कहीं आप नुकसान भी करोगे फिर। तो इसमें पूरा जब पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है, ये बात ध्यान में रखना पूरी वीडियो में, कि इसमें कैफीन जो होता है, ठीक है, जाहिर सी बात है हमारी बॉडी को जो एनर्जी देती है चीज। सो गाइज, अब हम बात करते हैं कि इसको अगर आप लेते तो इसको आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसके फायदे तो मैंने आपको बहुत सारे गिना दिए। तो जब आप ये ध्यान रखिए कि जब आपकी बॉडी में कैफीन, हमारी बॉडी को नीड एक पर्टिकुलर एक अमाउंट की होती है, एक अमाउंट कैफीन हमारी बॉडी में जाना चाहिए एवरीडे, एक अमाउंट शुगर हमारी बॉडी में जाना चाहिए एवरीडे, जो हमारी बॉडी के नीड, बॉडी हमारा मैकेनिज्म एक मशीन है, तो ये हमारी बॉडी में एक पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए कि भाई इतना इतना जाएगा, आपकी बॉडी लेगी, जिससे आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगी। बट एनर्जी ड्रिंक में क्या होता है, बेसिकली जो हमारी बॉडी की नीड है उससे 8 गुना ज्यादा इसमें कैफीन होता है, 8 गुना ज्यादा, आप समझ सकते हैं ना। तो जब इतना ज्यादा अगर आपकी बॉडी में कैफीन जा रहा है, तो वो इतनी ज्यादा इतनी जल्दी एनर्जी जनरेट कर रही है। अब उनने एनर्जी जनरेट करा, इतना सारा कैफीन गया, जब आपकी बॉडी में, जो आपकी बॉडी की नीड नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका नुकसान जरूर होगा, डेफिनेटली आज नहीं तो कल होगा, अगर आप उसको रेगुलर बेसिस पे लेंगे तो उसका नुकसान होगा। अब जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को रहा और उसने ये सारी चीजें ले ली, इतना ज्यादा कैफीन उसकी बॉडी में कंज्यूम कर लिया उसने, तो आप खुद भी समझ सकते हैं, आप खुद भी पढ़े लिखे हैं कि आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर अगर बढ़ा तो आपको कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है उस चीज का, ठीक है। सो गाइज, आपको इन सब चीजों से बचकर, इन सब आर्टिफिशियल चीजों से बचकर, आप अपने ऑर्गेनिक चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए, अपने वर्कआउट पर ज्यादा ध्यान दीजिए, अपने रेस्ट पर ज्यादा ध्यान दीजिए, अपने लाइफस्टाइल पर ज्यादा ध्यान दीजिए, आपके खाने पीने पर ज्यादा ध्यान दीजिए। आपको गंदा नहीं खाना, गंदी चीजें नहीं खाना, जंक फूड फास्ट फूड आपको अवॉइड करना है, हेल्दी खाना खाइए। आपको अगर पीना ही है कुछ एनर्जी ड्रिंक के लिए, आप जूस पीजिए, पाइनएप्पल जूस हो गया, मौसम्बी हो गया, दूध दही, ये हमारी जो चीज़ें जो नेचुरल हमारे इंडियंस जो लेते, आप जब ये लेंगे, हमारे पुराने जो लोग होते वो ये सब चीज़ें कहाँ लेते थे, लेकिन उनके अंदर कितनी एनर्जी थी। जब आप ये सब चीज़ें लेंगे नेचुरली ऑर्गेनिक आर्टिफिशियल नहीं लेंगे, तो आप खुद देखिएगा कि आपकी बॉडी में कितनी ज़्यादा एनर्जी रहेगी,
और आप कितने ज़्यादा चुस्त दुरुस्त और तंदुरुस्त रहेंगे। सो आज का मेरा वीडियो यही था। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा या कुछ नॉलेज आपके काम आई होगी। वीडियो पर अगर आप लोग नए आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।